नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। देश भर में किसान आंदोलन भड़का हुआ है और बिहार में भी विपक्षी पार्टियां किसान आंदोलन को धीरे धीरे आगे बढ़ा रही हैं। आज किसान और छात्रों के मुद्दे पर हमारी राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से बातचीत हुई है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि राजद किसानों के साथ खड़ी है और अब बिहार के किसान भी दिल्ली कूच करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस बिल को पास कराया है वह किसान विरोधी है। आगे हमारा छात्रों के मुद्दे पर भी बात हुआ, लेकिन उससे पहले उन्होंने किसानों को लेकर क्या कुछ कहा है उसे सुन लीजिए। फिलहाल हमारे साथ राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी मौजूद है। मृत्युंजय तिवारी जी से सबसे पहले हमारा सवाल यही होगा, किसानों के मुद्दे पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है उस पे राजद का स्टैंड क्या है, क्योंकि माले ने जब यहाँ पे प्रदर्शन किया था। तेजस्वी यादव जी ने, आज हमारे नेता ने ऐलान कर दिया, देश का किसान परेशान है, बिहार का किसान परेशान है और सरकार किसान विरोधी नीतियों को लागू पर लागू करते जा रही है। कृषि बिल जो सरकार ने पास कराया है ये किसान विरोधी है। हम लोगों ने पहले भी इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव जी सड़कों पर उतरे थे, कल से फिर आंदोलन का ऐलान हो गया है। जो देश में आंदोलन किसानों का चल रहा है इसको मजबूती प्रदान किया जाएगा, बिहार के किसान भी इसमें शामिल होंगे। तो सुना आपने राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कैसे किसानों के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पटना में जब माले किसानों के समर्थन में प्रदर्शन कर रही थी, रैलियां कर रही थी, कन्हैया कुमार भी आए थे, उस समय राजद का वहां पर समर्थन प्राप्त था मालिक को। फिलहाल देखना होगा कि राजद किसानों के समर्थन में दिल्ली में क्या कुछ करती है, कब कुछ करती है। साथ ही यह भी देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि किसान और सरकार के बीच जो बातचीत चल रही है उसका नतीजा क्या निकलता है, क्योंकि अब तक के जो बातचीत हुआ है वो बेनतीजा ही रहा है। हमारा अगला सवाल छात्रों से जुड़ा हुआ था। दरअसल पटना में बिहार एसएससी के छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, जिनका भर्ती 2014 में निकला था और आज 2020 है, अब तक परीक्षा भी संपन्न नहीं हो सका है। हमने उनसे जब इस मुद्दे पर बात किया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि बिहार की सरकार लुटेरी है। हमने उनसे पूछा कि आप मजबूत विपक्ष की भूमिका में हैं, इस नाते आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार छात्रों और नौजवानों के साथ खड़ी है और हम यह लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे। उन्होंने क्या कुछ कहा उसे आप खुद सुन लीजिए। अच्छा सर, दूसरा सवाल बस आखिरी भी होगा, दूसरा भी होगा। अभी हम आ रहे थे बिहार एसएससी के जो छात्र हैं जिनके 2014 में भर्ती प्रक्रिया शुरू किया गया था, आज तक होनी पे वो आंदोलन कर रहे हैं, और मतलब आप लोग एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में, नौजवानों के साथ सरकार अत्याचार कर रही है, नौजवान किसान सब परेशान है, इसी की तो लड़ाई हमारी पार्टी, हम लोग लड़ रहे हैं, हमारे नेता इस बात को उठा रहे हैं कि सरकार जो है जिस तरह से तानाशाही रवैया अपना करके परेशान कर रहे हैं छात्रों को, नौजवानों को, ये बर्दाश्त नहीं होगा। उनके साथ हमारा पूरा समर्थन है और सरकार पर हम लोग सड़क से लेकर सदन तक इस बात को उठाएंगे, दबाव बनाएंगे, उनकी मांग पूरा हो। तो ये थी हमारे राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी से खास बातचीत। आपने सुना कि उन्होंने किसान और छात्रों के मुद्दे पर क्या कुछ बोला है। फिलहाल आपको बता दें कि तेजस्वी यादव सदन में प्रतिपक्ष के नेता भी हैं और उन्होंने साफ कहा है कि जब तक सरकार नौजवानों को 19 लाख रोजगार नहीं दे देती तब तक राजद चुप नहीं बैठने वाली है। तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि यह लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ा जाएगा। फिलहाल आगे देखना होगा कि राजद इस लड़ाई को किस अंजाम तक पहुंचाती है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।